अस्सलाम वालेकुम। पौने तीन के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं, पौने तीन एक अवामी प्रोग्राम है। इसमें हम ज़्यादातर ऐसे मसाइल सामने लाते हैं जिनका ताल्लुक अवाम से हो, मगर आज का जो मसला है वो खवास का मसला है। सेट देख के आप पहचान गए होंगे, ये कोई चालों का प्रोग्राम है और ये चालें हैं कर्जे की चालें। अखबारों में आप लिस्टें देख रहे हैं, समझ गए होंगे कि आज का प्रोग्राम जो है हमारा उन्हीं कर्जदारों पर है। रईस साहब हमारे दरमियान नहीं हैं, अगर वो जिंदा होते तो एक ना एक रुबाई इस पे भी ज़रूर लिखते। मैं आपको सुनाता हूँ। अपने आमाल के सबब से यहाँ कोई अदना न कोई आला है, इस खुदादाद मुमलिकत में हुजूर ना दहिंदों का बोलबाला है। बैंकिंग के कुछ लॉज होते हैं, मगर जो हुकूमत पावर में आती है वो उन लॉस के अगेंस्ट आउटलॉ हो जाती है और बाकी जो बचते हैं वो इन लॉस हो जाते हैं। चले देखते हैं कि आज जो मेरे मेहमान हैं किस किस्म की और क्या क्या बातें करते हैं। मेरे पहले मेहमान भी एक इंटरनेशनल ना दहिंदा हैं। मैं उनको दावत दे रहा हूं। खातिम हजरात, पौने तीन के पहले मेहमान, मशहूर ना दहिंदा। ढिटाई की इंतहा है। मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं प्लीज जी, मैं कह रहा था कि नहीं, अनु साहब देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है हमारी कि ये किस किस्म की कौम है, इस कौम के जमीर को क्या हो गया, क्या हो गया है इस कौम के जमीर को? ये पुरानी गलतियों से ये लोग इस्तफादा क्यों नहीं करते है? मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं खून के आंसू रहूं और जोर जोर से रहूं, अगर आवाज जोर से है तो घबराइएगा मत, हो सकता है कराची में मेरा पित्ता फट जाए और पिंडी में मेरी ओजड़ी। नहीं, बात क्या हो गई, कौन सी कयामत टूट पड़ी आप पर? अरे क्या अनवर मकसूद नाम है ना होगा, अनवर मकसूद साहब। देखिए मैं आपको एक बात बताता, दरिंदा कह देते मुझे नहीं बुरा मानता, चरिंद कह देते, परिंदा कह देते, ये दहिंदा क्या चीज है? ना दहिंदा जी, ना दहिंदा क्या चीज है? दहिंदा ना दहिंदा, इस कदर मनहूस लफ्ज लगता है ये ना दहिंदा, नफरत अंगेज। मैंने कभी हिंद की तरफ ना रुख किया ना हिंद की तरफ देखा, मुझे ना दहिंदा कह दिया, बताइए जी हाँ। और ये कौन चुपकी बैठी रही जो हंस रही है यहाँ बैठ के, ये चुपकी बैठी रही कैसी कर्ज फरामोश कौम है ये? और एक बात और क्लियर कर दूं आपको, एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये कर्ज जो है मैंने इस कौम के लिए लिया था, कौम का फर्ज है कि वो आगे आए और आगे आए और आइए आइए, जरा पीछे चले जाइए, कौम का जूता मेरे पांव पे आ गया। कौम का जूता मेरे पांव पे आ गया। अच्छा। और अब चाहिए इनको के मुझे बचाए मेरा कर्जा। बात यह है, हाँ? थोड़ी सी मुश्किल इसमें है, हाँ? आपका कर्जा है 28 करोड़, हाँ, 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 हाँ। और मेरी कौम जो है ये कुल 14 करोड़ है। ओनली
टू रुपीज पर बंदा टू सेव दिस ना दहिंदा। लेकिन मुझे मालूम है कि ये कौम जो है ना, ये कभी आगे नहीं आएगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरी लातों को हवा लगती रहे। मैं समझा नहीं जी, लातों को हवा लगती रहे जी क्या? बेटे वो बात ये है कि हवा लात कहते हुए तकलीफ होती है। बड़ी तकलीफ होती है, जैसे किसी अपने को छोड़ने की बड़ी तकलीफ होती है, गटर में गिर जाने से बड़ी तकलीफ होती है, और मुल्क के हालात देख के बड़ी तकलीफ होती है, सियासी रुख देख के बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। मतलब ये तीन दफा आपने क्यों कहा बड़ी तकलीफ होती है? हाँ, हमारे एक दोस्त हैं, फिल्मों के डायरेक्टर हैं, कहने लगे कि भाई देखिए, कोई गम का डायलॉग जो है वो जब तक तीन दफा ना कहा जाए कौम पे असर ही नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे परवीन, मेरी माँ मर गई, आप पे असर हुआ? नहीं। अब मैं आपको असर अंदाज करता हूँ, परवीन मेरी माँ मर गई, परवीन, परवीन मेरी माँ मर गई, परवीन मेरी माँ मर गई, परवीन, आप पर असर हुआ? जी, मुझ पे हुआ सच। अच्छा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? चने पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है काम। नहीं दिया ना, चने पढ़ रहे हैं, बल्कि भुने पढ़ रहे हैं, कच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाथ उठाओ, मैं बद्दुआ करो क्या ये लिस्ट में से मेरा नाम निकल जाए। अच्छा, मैंने सुना था आप बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे थे। कोयत जा रहा था। तो गए क्यों नहीं आप? अबे क्या पैदल जाता कोयत? नहीं तो क्या मतलब, पैसे नहीं है जाने के? अरे पैसे तो इतना था, हम पूरा कोयत खरीद, ये कटवा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ये काट दीजिएगा भैया, कटवा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, बस नहीं देख, एयरपोर्ट के ऊपर हम जैसे नादहिंदों पे एक किस्म की बंदी लगा दी गई है, जिसको पा कहते हैं, पाबंदी। इसलिए नहीं जाना कि मैंने वहां की जबान भी कोयत की थोड़ी सी सीख ली थी, आई मकरूज। अब आप तो पढ़े लिखे हैं, आप बताइए उल मकरूज का क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम। हाजा मकरूजी कुल्लुन मुल्कुल मकरूजा, इसका कोई असर होगा इन लोगों पे? ऐसी बातों से कौम पे अब कोई असर नहीं होता। कोई असर? तो फिर नॉर्मल गुफ्तगु करते हैं। ये वुडी वुड पैकर जो कार्टून आता है उसकी आवाज निकाली है। अगर 10 दिन में तुम्हें 28 करोड़ वापस करना पड़े ना, तो तुम भी पोपाई की आवाज निकालोगे। अब्बा को देखिए, डोनाल्ड डक की आवाज में रो रहा है। मैंने उनसे कहा छोड़िए, तो कहने लगे पूरा मोहल्ला हंस रहा है उनपे। अच्छा, ये 28 करोड़ कैसे लिए थे? ऐसे लिए थे? नहीं नहीं, कैसे लिए? ऐसे लिए थे। ये तो जरूरत क्या थी 28 करोड़ की? 12 करोड़ लिए थे, 12 करोड़, 28 हो गए। कैसे? अंग्रेजी आते थोड़ी बहुत, इसका मतलब है नहीं आती। ये जो 12 करोड़ लिए थे, जो 28 हो गए, दिस इज ड्यू टू लानत। ड्यू टू लानत समझा नहीं। पढ़े लिखे नहीं हो ना? ड्यू टू लानत पढ़ते नहीं हो क्या? सूद एक लानत है। अच्छा, ये जो 12 करोड़ आपको मिले, ये कैसे मिल गए? क्या मतलब किसने दिलाए, कैसे हुए? ये खाला की वजह से मिल गए। खाला की वजह से? हाँ, उनके फेस वैल्यू की वजह से। खाला भी डायरेक्टर बन गई, पैसे मिल गए, हम मिल के बैठ गए, मिल बांट लिया, मिल बैठ गई, और MD लेट गए। उनके नाम से पहले लेट लगाना पड़ा, लेट। अच्छा,
ये बताइए कि कर्जों के अलावा आपको कोई और शौक है? ये कर्जे मतलब कर्जे के अलावा क्या शौक हो सकता है? भाई बिलीव मी आई लव कुर्की। ये आई लव कुर्की कुर्की। और आप शायद यकीन ना करें कि हमारे अब्बा जान जो है आज भी ईद के दिन करा कुर्की की टोपी पहनते हैं। नहीं, करा कुर्की नहीं, करा कुली। ज्यादा अकलमंदी ना झाड़ो मेरे सामने। ना दहिंदों की हमेशा करा कुर्की होती है, करा कुर्की टोपी। अच्छा, ये जो कर्जों का शौक हुआ ये आपको वालिद साहब से शुरू? नहीं, दरअसल ये दादा मरहूम का शौक था। अल्लाह उनको कर्ज रहमत में डिपॉजिट करे। मरने से पहले अब्बा मरहूम को दो वसीयतें कर गए। वो कहने लगा, बेटा पहली तो ये कि गुस्ल करने वाले को कभी कैश पैसे मत देना, उधार रखना। आज दादा को मरे हुए 30 साल हो गए, परसों वो गुस्ल देने वाला पैसे लेने आया था, अब्बा ने उसको कल बुलाया है। अच्छा, दूसरी वसीयत? दूसरी वसीयत ये थी कि मुझे स्टेट बैंक में दफन करना। लेकिन स्टेट बैंक वाले नहीं माने। दरअसल हमारे जो दादा थे ना, उनकी एक बड़ी अजीब थ्योरी थी कि भाई स्टेट नहीं तो कम से कम बैंक फ्यूनरल ही हो जाए। अच्छा, मेरा मतलब है कि कभी इस तरह की बातों से कुछ एहसास से जुर्म होता है? और किस सिलसिले में? माशाल्लाह, क्या थिंकिंग है आपकी। क्या कहा आप मुझसे? कुछ कहा नहीं, नहीं, मैं अपने आप से बातें करता हूं। अच्छा, प्लीज। कमाल है, गट्स है। ख्वातीन हज़रात, पौने तीन के अगले मेहमान हैं एक नौजवान बैंकर, दयानतदार। ईमानदार। मेहनती। आप एक ब्रांच के मैनेजर हैं। बहुत हंसा रहे हो भाई आज। क्या कबल मसीह के ब्रांच के मैनेजर को बुला लिया? दयानतदार, ईमानदार, अब कहाँ? मेरे ख्याल में मोहतरम आप लोगों की पहुंच जो है ना, वो सिर्फ हेड ऑफिस तक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ब्रांचेस में जाएं और जाके देखें कि नौजवान बैंकर कितनी मेहनत और कितनी दयानत से काम कर रहे हैं। ख्वातीन हज़रात, पौने तीन के अगले मेहमान एक नौजवान बैंकर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, मुझसे कुछ फरमाया आपने? जी नहीं, मैंने सलाम भी अनवर साहब को किया है और सर भी इन्हीं को कहा है। अच्छा, बताइए जवाब भी फिर यही देंगे? जी। यानी देखिए क्या इज्जत है इस मुल्क में नादहिंदगान की। वो बकौल वो हमारे एक है, डिफॉल्ट डियर ब्रूटस, Default, dear Brutus, is not in one account, but in one young Batamese bank manager's. William Shakespeare. मोहतरम, default नहीं, the fault. सिर्फ मेरे लोन की गलतियां निकालो, सिर्फ। सुनिए, सीजर के जमाने में बैंक नहीं थे। अच्छा, तो वो क्या कलोपत्रा से लेके पैसे काम चला लेते थे? बात यह है कि आप इनको जानते हैं? अनवर साहब, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा बैंकर है जो इनको नहीं जानता? इनके खानदान वालों ने हमारे 3 बड़े अफसरों की छुट्टी कराई थी। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के अफसर्स थे वो। तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए भाई हमारा कि हमने उनको आउटस्टैंडिंग को बाहर बिठवा दिया। शुक्रिया अदा करो हमारा। अरे ये बताइए कि आप 28 करोड़ कब वापस कर रहे हैं?
अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो 2 सितंबर तक दे देंगे। लो 2 सितंबर तो गुजर गई। तो फिर अल्लाह की मर्जी नहीं थी। तौबा तौबा अनवर साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि इन लोगों ने कितने बैंकों के कितने पैसे अदा करने, कितने रुपए देने इन्होंने। भाई देखिए, हमने जब रुपया लिया था बैंक से, उस वक्त वैल्यू थी रुपए की वैल्यू। अब शर्म नहीं आएगी हमें डी वैल्यू वाला रुपया वापस करते हुए? ये कोई शराफत होगी हमारी? ओ वाह, कर्ज कर्ज कर्ज। अनवर साहब, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें ये लोग लेके आते हैं कि नाक में दम कर देते हैं। अनवर साहब, इनको कर्जा दिया जाता है, यानी वो मेहनत कशों का, हमारा आपका मकसद है, सब लोगों का पैसा होता जी है, और ये सब खा गए। इनको कर्जा दिया जाता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, और ये गाड़ियां खरीद लेते हैं, लड़कों को बाहर भेज देते पढ़ाने के लिए अपनी औलाद को, और अपने घर बनाते हैं, और अगर इनसे कर्ज मांगो तो उल्टा बैंक पर केस कर देते हैं कि हमें कर्जा दिया क्यों था। बरगुजीदा ना दहिंदगान से इस कदर बदतमीजी। अरे मैं किसी से नहीं डरता, माँ बाप की मेहनत की कमाई से मैंने तालीम हासिल की, मुलाजमत कर रहा हूँ। अब मैं आपको इनके बड़े भाई का किस्सा सुनाता हूँ। इनके बड़े भाई ने हमारे हेड ऑफिस से लोन लिया, ठीक है, हेड ऑफिस से लोन लिया, पैसे मिल गए उनको, हेड ऑफिस पहुंच गए, हमारे एमडी साहब से जाकर कहते हैं कि जी ये मेरा लोन जो है इसको राइट ऑफ कर दें। हाँ, एमडी साहब ने कहा भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे राइट ऑफ कर देंगे। गुस्से में उनके सामने अपनी पूरी फाइल फाड़ दी। अरे अनवर साहब, मेरी आंखों के सामने, इन आंखों के सामने लेजर में से ओडी का कागज निकालकर पान की तरह चबा गए, खा गए, 4 करोड़ रुपए खा गए। मैं इनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए, मेरा जो असल में भाई है उसे है ना कागज खाने की आदत है। जी जी, सरकारी कागज खाने की आदत है। जी हाँ जी हाँ, रंगीन लाल और हरे जी, खास तौर से खाता है। सुबह निहार वो पता है क्या करता है, 500 के हरे नोट बीच में एक लाल ऊपर एक लाल नीचे सैंडविच बना के खाता है। एक दफा तो अपनी मैट्रिक की रिपोर्ट जिसमें अंग्रेजी में उसे 100 में से 0 मिले थे, कमबख्त खा गया, वो तो 0 दांतों पे चिपका रह गया, अब्बा ने पकड़ लिया। हाँ कि अंग्रेजी में फेल हुआ है। वो 4 करोड़ का क्या हुआ? हमने राइट ऑफ करवा लिया। कमाल है, अगर मैं 5,000 रुपए लेने जाऊं बैंक से तो मुझे तो नहीं मिलते लोन। आपकी इज्जत नहीं है ना कोई। हम जैसे लोगों को मिलते हैं भाई, हम आपको कौन जानता है। तो ये आप इतने बड़े बड़े कर्जे जो होते हैं करोड़ों के, ये लोग राइट ऑफ कैसे करवा लेते? मैं बताता हूं अनवर साहब, गरीब को लाइट ऑफ करने में ज्यादा देर लगती है, लेकिन ये कर्जे राइट ऑफ इससे ज्यादा जल्दी करा लेते हैं। जब पता ना हो ना झड़ूस तो मत बोला करो। मैं झड़ूस हूं, सुनिए, मैं बताता जी, थोड़ी देर के लिए तुम एमडी बन जाओ भाई। क्या एमडी बन जाओ? एमडी, बैंक के एमडी बन जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कर्जे कैसे लेते हैं। मैं बैंक का एमडी बन? जी नहीं, मैं बैंकिंग के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता। तो फिर इंशाल्लाह मैनेजर पे ही रिटायर हो जाओगे। आप बनिए बैंक के एमडी, बनिए। बनिए क्या? बनिए बनिए। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ी देर के लिए बैंक के एमडी हैं। चलिए ठीक है, फोन रखा है जैसे सामने जी, सुबह आप दफ्तर आए जी, ठीक है? ठीक है। फोन की घंटी एक टुरुन 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 बजी, फोन उठाइए, फोन उठाइए भाई। हेलो। हेलो, एमडी है जी? एमडी है? है। कहाँ है? मैं बात कर रहा हूँ। बोल रहे हो? जी सर। मैं इस्लामाबाद से। जी सर, सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? कितनी बाकी है भाई तुम्हारी सर्विस? 6 महीने बाकी। हाँ, हमने साल भर बढ़ा दिए। अच्छा। हाँ, और सुनो, फरीदुद्दीन आएंगे, 1 करोड़ का उनका लोन है, वो लोन दे नहीं सकते, समझे, उसको राइट ऑफ समझो, कोई लेटर ना भेजना, कोई बंदा ना जाए वहाँ पर, क्योंकि वो अपोजिशन भी छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो तुमने शुक्रिया नहीं कहा। किस बात का सर? तुम्हारी साल भर सर्विस बढ़ा दी। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। सुनो, बैंक कैसा चल रहा है? कैसा चल? चलाओ है, चलाओ चलाओ। ओके बाय। इस तरह लेते हैं हम लोग। बिल्कुल
बिल्कुल अनवर साहब बिल्कुल इसी तरह होता था। आपको इनका वो शुगर मिल वाला केस का नहीं पता? ऐसा बड़ा खूबसूरत केस था। हाँ, बड़ा खूबसूरत केस था। गन्ने बा मशक्कत हो सकती थी लेकिन इंक्वायरी कमेटी गंडेरी निकली डर गई। वो केस क्या था जी शुगर का? मैं बताता हूँ। इन्होंने हमारे बैंक से शुगर मिल लगाने के लिए 8 करोड़ रुपए लिए। सैंक्शन हो गए? हाँ हो गए। ठीक है। एक साल के बाद पता चला कि जी मशीनरी आ गई है और अगली शाम को उसका इफ्तिताह है। हमारे एमडी साहब सारे डायरेक्टर तैयार होकर इफ्तिताह करने, एमडी साहब से इफ्तिताह कराना था, एमडी साहब पहुंच गए। एमडी साहब ने फीता काटा, पर्दा उठाया तो एमडी साहब तो उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़े नीचे, क्योंकि वहां पर गन्ने का रस निकालने वाली 8 मशीनें लगी हुई थी। जो इन्होंने तारिक रोड से खरीदी थी। तुम्हें उससे बात करो, पैसे दे के ली थी। और मिनट रुकिए, और सुनिए अनवर साहब, जब हमारे एमडी साहब बेचारे होश में आए तो इनके अब्बा सामने आ गए, इतने सारे गन्ने हमारे एमडी साहब के हाथ में पकड़ा दिए कि जी आज हमारी प्रोडक्शन की ओपनिंग है तो पहली प्रोडक्शन पहला गिलास मैं आपके हाथ से पीऊंगा। बेचारे हमारे एमडी साहब ने सबके सामने गन्ने का रस निकाला, बड़ी तालियां बजाई लोगों ने। उसके बाद 2 महीने तक दिल के अस्पताल में दाखिल रहे। क्या जूस निकाला है इनके एमडी ने। एक दफा निकाल लिया, वो फोक रह गई, कह लगे गिव मी, दोबारा उस फोक को डाला, उसमें से भी जूस निकाल लिया। तो मैंने उनसे पूछा वहां अस्पताल में, मैंने कहा कि भाई ये इस कदर खूबसूरती से जूस कैसे निकाल लेते हैं आप और इस कदर एक्यूरेट। तो कहने लगे कि 2 साल ढाका में भी पोस्ट रहा हूं मैं। मगर ये जो बैंकिंग का जो पेशा है ना, ये बड़ा बावकार पेशा था। अगर थोड़ी सी आप हिम्मत करें और ऐसे लोगों को मना कर दें कि जी हम लोन नहीं देते। क्या करें? अरे कैसे नहीं देंगे लोन, कैसे नहीं देंगे लोन। बड़ी जरूरी है गर्दन, गर्दन बड़ी जरूरी है। या गर्दन बचा लो या फिर अपनी सर्विस बचा लो। मैं अगर इनकी जगह होता मैं तो गर्दन तोड़वा लेता। गर्दन तोड़वा ले? हाँ, मैं लोन नहीं देता। इधर मुंह करके बात करो, गर्दन तोड़वा ले जी। गर्दन तोड़वा ले? मैं तोड़वा लेता। गर्दन तोड़वा ले तो टाई क्या घुटनों पे बांधते। अरे भाई एमडी के लिए टाई होना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ पता नहीं कि बैंकर के लिए क्या होना जरूरी है क्या नहीं होना जरूरी है। ये बस आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। ख्वातीन हजरात, ख्वातीन हजरात, मेरे अगले मेहमान हैं। बुला लेते हैं लौंडेला पहाड़ों को। पहले पैसे वापस कर दीजिए। ये मैं कह रहा था, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। कौन? बैंकिंग में ये बदतमीज मुस्तकबिल। बुजुर्गों से गुफ्तगु करने की तमीज नहीं है इनको। आई विल से यू। ये बुजुर्ग है ना, देंदा बुजुर्ग। पहले पैसे तो अदा कर दें इस मुल्क के। अदा कर देंगे, इनकार कब किया है भाई हमने? इसका दर बकबक बकबक कर रहा हूँ, बकबक कर रहा हूँ, बकबक कर रहा हूँ। कौन सी ब्रांच में हो भाई तुम? जी कौन सी ब्रांच में हो? मैं FIA ब्रांच में हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? कभी कभी मेरा ओडी बोल पड़ता है। वैसे आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं मैं जी। मुस्तकबिल है ये लोग माशाल्लाह, गुड लुकिंग FIA ब्रांच का है ना? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। ख्वातीन हजरात, पौने तीन के अगले मेहमान एक सियासी शख्सियत। अरे ही इज स्टिल अलाइव। मेरे ख्याल में आप आ जाएं मेजबानी के लिए, मैं आपकी जगह पर। मैं जानता हूं उनको, बाहर मिले जो मुझे। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं आपको अंदर मिले होंगे, बाहर मिले थे। मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। 6 अक्टूबर को जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आप हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि आपका नाम लिस्ट में है, आपको इजाजत नहीं मिली। 8 अक्टूबर को आपकी शादी थी जो अब बाई इलेक्शन तक पोस्टपोन हो गई है। ख्वातीन हजरात, तशरीफ लाते हैं सियासी ना दहिंदा।
बैठिए बैठिए। बैठा तो दिया, अब और क्या बैठूं? सोचा था कि पोलिंग बूथ में काजी को बुलवा के वहीं पे निकाह हो जाएगा, लेकिन निकाह से पहले ही नाहल करार दे दिया। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर मैं जीत जाता तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल देता, तकदीर बदल देता, तकदीर बदल देता। सेम फिल्मी फ्रेंड परवीन, तुम्हारी माँ मर गई परवीन। बता चुका हूँ पहले। मुझे बहुत अफसोस हुआ, आप पर पाबंदी लग गई जी 6 तारीख को। अरे बात सुनिए, छोड़िए आप फजूल की बात कर रहे हैं। अगर ये जीत जाते तो क्या कर लेते? ये कैसे जीतते? ये जीत सकते थे? जीत ही नहीं सकते थे। पिछले इलेक्शन में भी इनकी जमानत जब्त हो गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो जमानत भी लोन के पैसे लेकर अदा की गई थी। ठीक है, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन कौम ने मुझसे नहीं पूछा कि लीडर प्यारे तुम्हारी जमानत क्यों जब्त हो गई। मैं बताता हूँ क्यों जब्त हो गई। इसलिए कि तुम्हें टोटल 2 वोट मिले थे। जी हाँ, पहला वोट खुद डाला और फिर बूथ से निकले, घर गए, कपड़े बदल कर आए और दूसरा भी खुद ही डाला। डियर डियर डिफॉल्टर, यू आर रॉन्ग। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आप आगे बताइए क्या हुआ था, क्या हुआ था बताइए। हुआ कुछ नहीं था। इलेक्शन कमीशन जो था उसने एक सरकारी स्कूल के उस्ताद को, जो के हिसाब के थे, उनको काउंटिंग पे लगा दिया। अब उन्हें काउंटिंग पे लगाया, उनको 1 और 2 के बाद आगे सिर्फ गुनगुनाना आता था, 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2। तो 40,000 वोट तो मेरे बगल में थे। दम घुटने से मर गए होंगे। जरा सा जगह दे दीजिए, मुझे चेहरा नजर नहीं आ रहा जी। बात यह है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम, कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये प्रोग्राम ऑन एयर। तो हकायक भी तो बताने चाहिए ना लोगों को। बता रहे अनवर साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों पे। ये साहब नहीं बैठे सियासी साहब, इन्होंने भी तो बैंकों के 13 करोड़ रुपए देने हैं। देखिए बात सुनिए, बैंकिंग के भी कुछ उसूल होते हैं बैंकर साहब। आपको पता है अकाउंट होल्डर जो है उसकी जो ओडी है वो उसकी हया होती है, उसे छुपाना चाहिए। और छोड़िए, सब कुछ अखबार में आ चुका है। और वो क्या हुआ आपके केस का, उसका वो जो आपने मिल्क प्लांट के लिए केस लिया था, 6 करोड़ रुपए जो लिए थे, अब वो 13 करोड़ रुपए हो चुके हैं, पता है आपको? अगर अगर वो 13 करोड़ हो गए तो उसमें मेरा क्या कसूर? क्या मतलब मेरा क्या कसूर, ये क्या बात हुई भाई? भैंसों से मेरा दिल भर गया था। अरे अनवर साहब, एक रोज ही आए हमारी सदरवाली ब्रांच, वहां पर 14 भैंसे छोड़ गए। कहने लगे जी मेरा जो लोन है ना उसमें ये 14 भैंसे एडजस्ट कर लीजिए। कमाल। तो बात सुनिए, कुछ ना कुछ तो टर्न किया ना आपको, वापस तो किया ना कुछ ना फिर कुछ। एक और बड़ी सिफारिश लगाई और फिर 9 करोड़ रुपए फिर ले लिए। क्यों? वाकई तुम्हें बैंकिंग के उसूलों के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो हम सियासतदान होते हैं ना, इनके जो कर्ज होते हैं वो टॉप सीक्रेट होते हैं। अरे ये सब अखबार में आ चुका है। अखबार पढ़ना आता हो तो तब की बात है। अखबार पढ़ना नहीं आता, चलो ठीक है, अखबार सुन तो सकते हैं। बात सुने, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको पता है मैंने ऑक्सफोर्ड से मैट्रिक किया है। क्या, ऑक्सफोर्ड से मैट्रिक? आपकी तालीम कहां तक है? मैंने कैम्ब्रिज से नहुम किया है और बर्कले से दुहुम किया है। आप बोलो। अच्छा सियासी साहब, आपने ऑक्सफोर्ड से मैट्रिक किया है। अच्छा ये बताइए कि ऑक्सफोर्ड कहां है? ये खारदर के पीछे है। क्या? हाँ, खारदर के पीछे ऑक्सफोर्ड प्राइवेट नाइट स्कूल। अरे भाई हम लोग यहीं के स्कूलों की बात कर रहे हैं भाई। वैसे एक बात बताऊं, बंकिंग का मतलब है? ये लफ्ज है बैंकिंग, बंकिंग नहीं है, बैंकिंग है।
और बैंकिंग का मतलब है मर जाओ लेकिन अकाउंट होल्डर की ओडी ना बताओ, समझे? बैंकिंग पिद्दी पिद्दी नहीं पिद्दा, बिल्कुल पिद्दी इज लेडी। बिल्कुल सही है अनवर साहब, अनवर साहब जब तक ऐसे किंग्स पर बैन नहीं लगेगा ये बैंकिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अरे छोड़िए साहब, अरे आप लोगों से तो अच्छे वो डाकू हैं। हाँ, some of them are very handsome। मैं शकल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर तो फिर तुम क्या हरकतों की बात कर रहे हो? जी, वो तो कभी कभार डाका डालते हैं बैंक पे, आते हैं चले जाते हैं। अरे आप लोग तो रोज डाका डालते हैं बैंक पे, रोज बैंक के पैसे घसोटते हैं आप। अनवर भाई आप इसकी बातों में हरगिज ना आइएगा, ये बच्चा है, अभी नया नया खून जोश मार रहा है ना, इसलिए इतनी बातें कर रहा है। इसको ब्रांच से हेड ऑफिस अगर भेज देना तो इसका दिमाग सही तौर पे, इसका जो हेड है ना ये घूम जाएगा इसका। फिर ये जो ईमानदारी की बातें कर रहा है ना ये सब नहीं करेगा। पिद्दी बैंकर पिद्दा पिद्दा पिद्दी इज लेडी पिद्दा। एक बात बताइए अनवर साहब, आखिर मुझ पर ये पाबंदी क्यों लगाई गई? भाई आप कर्जा अदा कर दे, पाबंदी उड़ जाएगी, छोटी सी बात है। लेकिन He's crying। मैं 17 करोड़ कहां से लाऊं? इनके आंसुओं पर मत जाइए, ये टू मच के आंसू हैं ये। क्या टू मच? ये बड़े साहब ये टू मच क्या हुआ? दिस इज एल्डर ब्रदर ऑफ मगरमच्छ, टू मच। आप मेरी बात समझे अनवर भाई, मैं आपको यकीन दिला, मेरे पास सिर्फ $200 है, ओनली $200, और वो भी जो मेरे मामू हैं उन्होंने यहां पर मुझे छाप के दिए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए। पाबंदी के बाद तो बहुत ज्यादा पेन हो गया होगा कैंपेन के लिए। अच्छा सुनिए, ये सियासत और कर्जे लेने के अलावा आपके क्या क्या शौक हैं? मुझे बताइए बताइए। म्यूजिक से शौक है और डांस वगैरह। तो फिर तुम्हारा इंतखाबी निशान तो फज्जे का पाया ही होगा। कमाल है, हद हो गया अनवर भाई, इन लोगों ने अपने फायदे के आगे कुछ नहीं सोचा, इस मुल्क के बारे में नहीं सोचा, इस मुल्क की जरखेज जमीन के बारे में नहीं सोचा। शायद बदतमीज इन लोगों ने क्या बकवास लगा रखी है इन लोगों ने। एक आदमी का नाम इस मुल्क में बताओ जिसे कर्जे की सहूलत मिली हो और उसने कर्ज ना लिया हो। बात कर रहे हो तुम पिद्दी पिद्दा पिद्दा पिद्दी लेडी। मेरी नकल करने की कोशिश मत करो, समझे? पिद्दी और एक बात सुनो, ये जरखेज जमीन जो कह रहे हो ना, ये जरखेज जमीन सूद के लिए है। इधर कर्जा लो, दूसरे दिन से फलना शुरू हो जाती है, तीसरे दिन से फूलना शुरू होती है, कर्जा लेने वाले की मुसीबत। जी आप लोग कर्जे लेते हैं, देने के लिए थोड़ी लेते हैं आप लोग कर्जे। अरे साहब हम क्या करें, हुकूमतें ही बदल जाती हैं इतनी जल्दी। हुकूमतें ही बदल जाती हैं। एक दफा बहुत पहले एक दफा वाले साहब कपड़े बदल रहे थे, मैंने कहा मत बदलिए, हुकूमत बदल गई है। बात ये, इतने लोग देख रहे हैं, यंग मैनेजर्स यहां भी बैठे हुए हैं, कई लोगों जानता हूं, ये वापिस करने का सोचते क्यों नहीं आप लोग? हम लोग अपने नाना की थ्योरी पे अमल करते हैं। नाना की थ्योरी? फरमाइए क्या थ्योरी? उनकी ये थ्योरी थी कि देखो बेटा, एक बात याद रखना कि कर्जा लेने के लिए होता है, जकात देने के लिए होती है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि इतना थोड़ा कर्जा ना लो कि वापस देना पड़े, और इतनी ज्यादा जकात ना दो कि वापस मांगनी पड़े। उसी पे हम लोग कार बंद है। अनवर साहब, इन लोगों ने तरक्की पजीर मुल्क को कुर्की पजीर मुल्क बना दिया है, बड़े अफसोस के। अच्छा मेरी बात सुनिए कि कभी वालदा
ने आपको जी देखिए, वालदा का भी अजीब याद आया। वालदा अपने पीछे स्मॉल इंडस्ट्रीज के 6 करोड़ छोड़ गई। जी हाँ, वो तो स्वयं था वालदा का। तब उस वक्त जब नोटिस आया बैंक का, तो अब्बा के हाथ से पाव भर चने निकल गए। मगर जो मेरी अम्मा थी ना, उन्होंने सिर्फ अब्बा को ही छोड़ा। वैसे अनवर साहब, इन लोगों पे मुकदमे जरूर चलने चाहिए, बहुत जरूरी। सबसे पहले इन पे चलना चाहिए। क्यों, आप पर क्यों नहीं? मुझ पे तो 6 पहले ही चल रहे। मेरे ख्याल में आप पर, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप बुजुर्ग हैं, आप पर मुकदमा चलना चाहिए। कौन चलाएगा? हुकूमत चलाएगी। अगर हमारी आ गई फिर? अगर दूसरी आ गई फिर? तो फिर हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अरे, सिर्फ ये 28 करोड़ कर्जे की खातिर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? हमें पिद्दी 28 करोड़ इतनी बड़ी रकम है, मैं तो क्या मेरी पूरी पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकती है? इतनी देर की इस बकवास में पहली माकूल बात की है इस इंटरनेशनल डिफॉल्टर ने। शट अप, जमानत जब्त। पौने तीन की आखिरी मेहमान एक खातून है, एक बुजुर्ग खातून। मैंने बहुत मिन्नत की उनकी कि आप जरूर तशरीफ लाइए, तैयार नहीं हो रही थी। आखिर में मान गई। मैं उनको यहां आने की दावत दे रहा हूं। ख्वातीन हजरात तशरीफ ला रही हैं। बेगम साहिबा, अम्मा, औरत से इस तरह के सवाल तो नहीं करना चाहिए। मैं आपसे आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, ज़रूर बेटा। मैं बेटा 70 से ज़्यादा की हूँ। 10-12 छुपा गई। हमारे यहाँ इस मुल्क में ख्वातीन अपनी सही उम्र क्यों नहीं बताती हैं भाई? अरे बेटा, तो 70 और 80 में क्या फर्क है? हाँ सही कह रही है, 70 और 80 में वाकई कोई फर्क नहीं है। 70 में भी जमहूरियत नहीं थी, 80 में भी जमहूरियत नहीं थी। ख्वातीन हज़रात, मैंने अम्मा को यहाँ बुलवाया इस वजह से है कि आप पर भी सरकार का कर्जा है। अच्छा, हाउस बिल्डिंग का लोन होगा? हाँ बेटा, जरूर है, और अल्लाह गवाह है, उतारा भी है, और जितना लिया था उससे ज़्यादा उतार चुकी हूँ, और उतारने का इरादा भी है बेटा। कितने करोड़ हैं? खुदा ना करे बेटा, खुदा ना करे, मेरे पे तो सिर्फ 9,700 रुपए है। राहुल वाला कुवत, ये भी कोई कर्जा है? आप इंसल्ट कर रहे हैं हम जैसे नादान। ठीक कह रहे हैं चाचा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनको तो 18 करोड़ रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कर लो, 28 करोड़ बेटे, 28। अरे बेटा, हद है खुदा। मैं तो कहती हूँ अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी और दे दे कि मैं ये भी उतार दूँ। आपका जरिए माश क्या है? बेटा बस अल्लाह के फजल से बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती हूँ, 1,000-1,200 रुपए मिल जाते हैं, उससे कर्जे की किस्त अदा करती हूँ। फिर ये कुर्की क्यों आई आपके घर? असल में मैंने 3 महीने से मकान की किस्त नहीं अदा की थी। वो मकान की छत गिर पड़ी थी, उसको डलवाया। बस अब तो बेटा पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से ये कुर्की रुक जाए, तो मैं मकान की किस्तें भी अदा कर दूँ। ऐसा करें ना, वो जो कुर्की वाले आते हैं, 8-10 हज़ार रुपये पकड़ा दीजिए उनको, ख़त्म कीजिए किस्त। हाँ, मेरे ख्याल है कि 10-12 हज़ार में काम हो जाएगा। अरे छोड़ें आप लोग। अम्मा ये बताइए, जहाँ आप पढ़ाती हैं, उन लोगों ने आपसे नहीं कहा कि ये पैसा हम उतारे देते? अल्लाह भला करे उन सब का बेटा, उन सब ने हमसे कहा कि अम्मा हम तुम्हारा कर्जा उतार देते हैं, मगर नहीं बेटा, हमने कहा नहीं भैया नहीं, जब तक हमारे हाथ पांव सलामत है, चल रहे हैं, हम किसी का माली एहसान नहीं लेंगे। और वैसे भी बेटा ये सरकार का कर्जा है, अल्लाह ने जो हमें मुल्क दिया है उसका कर्जा है, हम खुद वापस करेंगे उसे। अरे
वह जिनके बच्चों को आप पढ़ाती हैं हमें भी बताइए, हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे शायद हमारा। पूछूंगा जरूर उनके नाम। तो बेटा क्या तुम पर भी सरकार का कर्जा है? जी हाँ, आज से एक महीना पहले इन पर सरकार का कर्जा था, लेकिन आजकल इन पर सरकार का डंडा है। कुछ आपने सोचा कि इस उम्र में छोटे से घर के लिए जो कर्जा बचा हुआ है उसको अदा करने का अज़्म भी रखती हैं, मेहनत भी कर रही हैं, और क्योंकि मुल्क का कर्जा है ये उसको खुद वापस करना चाह रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? किसको? अच्छा आपने सुना ही नहीं, मैं। बात यह है अम्मा, इस पूरे मुल्क ने आपकी बातें सुनी और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने सरकार का कर्जा लिया है उन्होंने भी आपको देखा भी होगा इस वक्त और सुना भी होगा, शायद आपकी बात का उन पर कुछ असर हो। ख़वातीन हज़रात, आपने पौने तीन में कुछ लोगों से मुलाकात की, इसमें एक बड़े बिजनेसमैन, एक सियासी शख्सियत, एक नौजवान बैंकर और एक ऐसी खातून जिनकी दुआओं की वजह से हमारा मुल्क रोशन है और इंशाल्लाह रोशन रहेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म का एक हिस्सा है, आप जानते हैं हौका हो गया है पैसों का इन लोगों को। ज़ाहिर है जब एक प्लॉट होता है तो उसी को दूसरे का शौक़ होता है, उसी को तीसरे का, उसी को चौथे का। एक मिल होती है फिर वो दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह गाड़ियाँ। तो ये जो हौका है इसका कोई एंड नहीं है। कुछ काम ना आवेगा तेरे ये लाल जमरुद सीमो जर, जब पूंजी बात में बिखरेगी फिर आन बनेगी जां ऊपर। नकारे नौबत बान निशां, दौलत हशमत फौजें लश्कर। क्या मसनत तकिया मुल्क मकान, क्या चौकी कुर्सी तख्त छपर। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। शुक्रिया।